आज की वीडियो में आपको माउस कर्सर चेंज करना बताएंगे, किस तरह से आप अपने ब्लॉग में एनिमेटेड माउस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम यदि माउस अपना रोटेट करते हैं तो यहाँ पर अभी ये सिंपल माउस दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप किस तरह से इस कर्सर को एनिमेटेड कर सकते हैं वो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज जिस स्क्रिप्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो उसका पासवर्ड आपको 3 या 4 स्टेप में यहाँ पर शो होगा। उन पासवर्ड को जोड़ करके एक पासवर्ड तैयार होगा एंड इस तरह से आपको एक फाइल मिलेगी। इसे आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप वो पासवर्ड इंटर करके ओके करेंगे तो आपको इस तरह से एक फाइल मिल जाएगी। यहाँ पर हम इसका डेमो देख लेते हैं किस तरह से आपको कर्सर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए, इस ये नॉर्मल कर्सर दिख रहा है और जैसे ही ये कोड आप लगा देंगे तो आपके ब्लॉग पर इस तरह से कर्सर शो होगा। जब भी आपके ब्लॉग पर कोई आएगा तो उसे इस तरह से कर्सर शो होगा। इसे ऐड करने के लिए चलते हैं ब्लॉगर के डैशबोर्ड में और यहाँ पर आएंगे आप थीम में। यहाँ सबसे पहले आपको अपने टेम्पलेट का बैकअप लेना है, जिससे एडिटिंग टाइम पे यदि कोई मिस्टेक हो रही है तो आसानी से आप अपने ब्लॉग को रिस्टोर कर सकें। यहाँ जाएंगे एडिट HTML में एंड यहाँ आपको कहीं पर भी टैप करके कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करना है, ये सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको टाइप करना है B-Skin, जैसा कि आपको हम लिख के दे रहे हैं। इस तरह से आप टाइप करेंगे, इंटर मारेंगे तो आपको ये B-Skin यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए, इसके ऊपर आप 2 स्पेस देंगे। अब आप जाएंगे अपनी फाइल में जो आपने डाउनलोड की है और यहाँ आपको ये कार्ड की फाइल मिल रही है, इसे आप करेंगे एडिट। आप इसे किसी भी नोटपैड में एडिट कर सकते हैं और यहाँ आप देखिए, आपको ये डॉट मार्जिन से और बॉडी इतना पूरा कोड आपको डिलीट कर देना है। हम यहाँ इसे हाईलाइट कर रहे हैं, आप देख लीजिए, इतना आपको डिलीट कर देना है। इसे करेंगे डिलीट। अब आपको नीचे जाना है और यहाँ आपको डॉट कर्सर ए दिख रहा है, तो इतना कोड आपको डिलीट कर देना है। ये हाईलाइट किया हुआ है, आप देख लीजिए, इतना कोड आप डिलीट कर देंगे। उसके बाद इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे एंड इसे कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे अपने टेम्पलेट में एंड B-Skin के ऊपर इसे आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, आप देख लीजिए, स्टार्ट CSS कर्सर से एंड स्टार्ट CSS कर्सर तक ये आपको ऐड करना है, ये देख लीजिए आप। उसके बाद इसे करेंगे आप सेव। अपडेट हो जाने के बाद आप जाएंगे क्लोज बॉडी टैग में, जो कि ब्लॉगर में सबसे नीचे होता है। यहाँ पर आप देखिए, ये मिल रहा है क्लोज बॉडी, इसके ऊपर आप 2 स्पेस देंगे। अब आप जाएंगे अपने कोड में और यहाँ आपको ये इंडेक्स की फाइल मिल रही है, इसे आप करेंगे एडिट। इस तरह से आपको ये फाइल मिल जाएगी। यहाँ आपको ये ओपन बॉडी मिल रही है, इस ओपन बॉडी के नीचे आपको ये डिप क्लास कर्सर मिल रहा है, इससे लेकर के आपको क्लोज स्क्रिप्ट तक, यहाँ तक आपको पूरा कोड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे अपने टेम्पलेट में एंड इसे क्लोज बॉडी के ऊपर आप पेस्ट कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे कर देंगे सेव। अपडेट हो जाने के बाद चलते हैं ब्लॉग में और इसे करते हैं रीलोड। तो यहाँ पर देखिए, आपका कर्सर चेंज हो गया। जैसे ही कर्सर हम लेके आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ये एनिमेशन वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग में एनिमेटेड कर्सर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।